गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंडिया। इतना याद मत करो यार। बाप रे बाप। कैसे कैसी बातें करते हो, पता मुझे भूल गए हो, इसे भूल गए हो। अब मैं बैठ गया हूं ना सुजीत, अब मैं कुछ नहीं, क्लास में आने के बाद अरे ओमकार सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। आशीष झा सब याद आ रहा है मुझे। अमित, एक माटी का दिया है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है तो किस बात से डरता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है तो किस बात से तू डरता है। डर रहता है ना हमारे मन से। हथेली पर रखकर नसीब, ये देखो नसीब, हथेली पे बोलते हैं ना, हथेली पे नसीब होता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे अपने मुकद्दर क्या ढूंढ रहा है। सीख उस समंदर से, उस समंदर से सीख, उस समंदर से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते, पर सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है और हम उन पत्थरों से बचते हैं। बड़ा तो तभी बनोगे जब उन पत्थरों से तुम टकराओगे। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। तो बस हमें इसी बात को याद रखना है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है और जो दिया है। चलिए और क्या क्या है। यस प्रीतम, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। यानी कि आईटीसी में तुमको लेके चलता हूं, पर आईटीसी में जाने के पहले लेक्चर नंबर 4, 5, 6 छह लेक्चर है, मंडे को खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न इनवॉइस का चैप्टर स्टार्ट होगा, 2 लेक्चर उसमें लगेंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस। उसके बाद हम चालू करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, 1 दिन का लेक्चर है, 2, 1, 3 और रिटर्न 2 दिन का लेक्चर है, 3 दिन करेंगे, नया अमेंडमेंट है, 3 और 3, 6 आपका सिलेबस खत्म होने को आ गया। ओ माय गॉड, नेक्स्ट वीक में शनिवार को सिलेबस खत्म, गजब हो गजब हो। क्या बात बोल रहे हो। हाँ बेटा कुछ बहुत नहीं बोल रहे, खत्म। उसके बाद मस्त होके रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और रिटर्न का जो कंबाइन इफेक्ट है अमेंडमेंट का वो दिखा दूंगा 2 लेक्चर में। उसके बाद आराम से शांति से एक तो मिनी, उसके बाद एग्जम्पशन कराऊंगा। एग्जम्पशन में टॉप 20 जो एग्जम्पशन होते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। उसके बाद मिनी मैराथन कराऊंगा। मिनी मैराथन के बाद आपका केस स्टडी चालू करूंगा, केस स्टडी, और उसमें 6 ICA मॉड्यूल का जो केस स्टडी वो पूरा कराऊंगा। उसके बाद रामबाण चालू होगा। उफ सर जी, 40 में 40 चाहिए भैया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नंबर को लेकर। 15 तारीख से तो बवाल चालू हो ही रहा है, डिंग 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 डिंग। क्या बवाल चालू हो रहा है दोस्त, जल्दी से बता दो 16 तारीख को क्या बवाल चालू हो रहा है, क्या बवाल चालू हो रहा है सर। बहुत बड़ा बवाल चालू हो रहा है 16 तारीख को।
16 तारीख को क्या स्टार्ट हो रहा है। चलिए, हमारे यहाँ दो कोर्स चलते हैं, एक को हम प्लस कहते हैं, आइकॉनिक कहते हैं। प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस है स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और पर्सनल गाइडेंस इसमें अलग से होती है। ठीक है, कॉम्बैट प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हर संडे को होता है। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग सब 75% वाला स्कॉलरशिप लो, 75% स्कॉलरशिप होनी चाहिए, मान 10,000 की फीस 2,500 में काम हो जाना चाहिए। फीस आपको पता ही है, 24 महीने के लिए 24,000 रुपया और 12 महीने के लिए 18,000 रुपया। तो प्रेफरेबल क्या है, 24 महीना 18 महीना दो, मैं और कुछ नहीं बोलता क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसकी फीस आपकी 35,000 है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो 35,000 होगी, हाईएस्ट फीस है। आप इसको यूज़ करिए, कोड इसमें आपको पता ही है, VV10 को यूज़ करिए और सारे के सारे सब्जेक्ट का मज़ा लीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्त, मेरा कोड यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप 100 मील दूर, कल 50 मील, आप 100 मील दूर जो रिश्तेदार थे सबके कान में पहुंचा दो। बच्चा 11 में है, 12वीं में है, या फिर IIT कर रहा है, GMAT कर रहा है, जो भी कर रहा है, पूछो अनअकैडमी से करने का, VV10 कोड को यूज़ करने का और 10% डिस्काउंट पाने का। ठीक है, चलिए बात ख़त्म हो गई, अब हम सीधा चलेंगे पढ़ने में। रचना कह रही है कि रिजल्ट आ रहा है सर, डर लग रहा है। रचना तुम्हारे लिए, दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, यूं ही तुम मुस्करा देना। जैसे मुस्कराओगे वो डर भय सब गायब हो जाएगा। आसानी से सब कुछ हासिल नहीं होता है। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना, जाहिर है मुसीबत में साथ कोई अपना नहीं रहता, चुप रहना बेशक, आंख से एक कतरा बहा देना, टप टप टप, यही है मुसीबतों का हल। मैं तो मुसीबत को ऐसे ही करता हूँ। चलिए, कलम कहाँ पे थे मेरे भाई, कल हमने मोटर कार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मोटर कार की पोस्टमार्टम हो गया था ना कल, हमने उसको एकदम साफ कर दिया। अब हम कहाँ पहुँच गए, 17(5)C में पहुँच गए, और 17(5)C और डी का हम लोग एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, सेक्शन 17 ख़त्म हो जाएगा। कल सेक्शन 18 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम पूरा ATC का पूरा RTP/RTP एग्जाम पेपर सब सॉल्व करके शांति से बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं रोता हूँ, मैं बहुत बार रोता हूँ, मिट्टी एक बार तो रो ही लेता हूँ, क्योंकि इतने दिल के गुब्बारे होते हैं ना, मुझे कहाँ तकलीफ होती है, मुझे सब चार्ट ही होगा, मुझे कहाँ तकलीफ होती है मैं बताऊँ, मुझे एक ही पॉइंट पे तकलीफ होती है, जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ, तुम लोगों को देख के एक परेशानी आती है कि आप कहीं ना कहीं डेडिकेशन नहीं है, और जब डेडिकेशन नहीं होगा तो जनवरी में जब रिजल्ट निकलेगा उस डेडिकेशन की हवा निकल जाएगी। वो जो तकलीफ तुमको जनवरी में होने वाली है, वो तकलीफ अभी से फील करना चालू कर दिया हूँ, ठीक है, और वो फीलिंग आती है तो वो तकलीफ होती है, वो तकलीफ को दूर करो, डेडिकेटेड हो जाओ, एकदम रिचुअल्स फॉलो करो, तभी CA बनेगा। ऐसे CA नहीं बनता। एज ए एडुकेटर कितना रिचुअल, हम लोग भी तो रिचुअल फॉलो कर रहे हैं ना, 11:30 बजे चुपचाप आके बैठते हैं ना, कोई भी मुसीबत हो, मुसीबत में भी आके पढ़ाया तो हूँ ना, कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आया हूँ ना अपना। ठीक है, जब एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है तो वो एक अलग बात होती है, वो 2-3 दिन की बात, पर आया हूँ ना आपके पास आके प्रेजेंट हुआ, या नहीं आया, प्लस में गया, प्लस नहीं आया, स्पेशल में, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ डेली 365 दिन। क्यों, अरे हमारे मित्र ने ओमकार ने कहा सर आपकी बहुत ऑफिस ना बड़ी छोटी है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो ओमकार, मेरी ऑफिस छोटी है? हाँ सर आपकी ऑफिस छोटी है, मानो ना मानो आपकी ऑफिस बहुत छोटी है। मैंने कहा अच्छा मेरी ऑफिस छोटी है, बोला हाँ सर आपकी ऑफिस छोटी है, मैं एक ऑफिस बना लेता हूँ। बोला हाँ सर एक ऑफिस, बड़ा ऑफिस बनाइए। ठीक है सर,
मैंने तुमने इतने मेरी बड़ी बात कर दी, कोई बात नहीं ओंकार, ऑफिस गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो, चलो मैं एक बड़ी ऑफिस बनाता हूँ, ये देखो मैं ऑफिस बनाने के लिए मैं आया, ठीक है सर, गुड। डिजाइन तुम्हें पसंद आई ओमकार? अभी इस ऑफिस को बनाते वक्त इस बात को भी समझना पड़ेगा ये वीवी की नई ऑफिस बनने वाली है, तुम लोग ज्यादा नजर मत लगाओ हमारी ऑफिस की तरफ, वीवी की ऑफिस बनेगी, ये लोग बच्चे लोग बोले। तो मैंने सीधा कांटेक्ट किया इस ऑफिस को बनाने के लिए डीएलएफ को, डीएलएफ को बोला मेरा ये प्रोजेक्ट है आप इसको पूरा करिए। डीएलएफ कौन है? कंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन है मेरे दोस्त? कंस्ट्रक्शन कंपनी। बोला अच्छा, डीएलएफ ने पूरा प्रोजेक्ट को देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसको दिया? डीएलएफ को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरी एक ऑफिस बिल्डिंग बना के दीजिए सर, मुझे जरूरत है, मैं इसे अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा, मेरी ऑफिस बिल्डिंग, मुझे ऑफिस बनानी है, मेरी एक ऑफिस बिल्डिंग बना के दिए। लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ऑफिस मतलब तो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होने वाली बिल्डिंग है। बोला हाँ, ज्यादा कन्फ्यूजन मत करो। ओके, डीएलएफ ने पूरा बिल्डिंग बनाने का ठेका ले लिया और डीएलएफ ने बोला वियानी सर, मैंने कहा बोलिए सर, इस बिल्डिंग में जितने तामझाम आप कर रहे हो, इस पूरे तामझाम करने के लिए सर 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। मेरा पैसा बहुत है अपने पास, पैसा का चिंता मत करो, विचार ओमकार सब फिनांस कर रहा है मुझे, 4 करोड़ का होगा और जीएसटी इसके ऊपर इन्होंने लगा दी, मान लो 4 करोड़ के ऊपर 18% का जीएसटी इन्होंने लगा दिया, 72 लाख के करीब का इसने जीएसटी लगाया। तो वीवी का पहला क्वेश्चन मन में आया, वीवी ने पूछा कि क्या आईटीसी ले सकता हूं इस 72,000 का? आंसर होगा नो, वीवी इसका आईटीसी नहीं ले सकता है, गई भैंस पानी में, वीवी इसका आईटीसी नहीं ले सकता है, गई भैंस पानी में। तब सर, पर डीएलएफ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गुड्स भी यूज कर रहा है और प्लस सर्विसेज भी यूज कर रहा है। हाँ सर, गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है, वो मार्केट से सीमेंट खरीद रहा है। बोला हाँ सर, खरीदा उसने, उसने टीएमटी खरीदा, हाँ सर उसने टीएमटी भी खरीदा है, ठीक है ना, उसने ब्रिक्स खरीदे हैं, बोला हाँ सर ब्रिक्स खरीदे हैं, उसने टाइल्स खरीदी है, यस सर, इंजीनियरिंग के सर्विस उसने यूज किए, आर्किटेक्ट के सर्विस उन्होंने यूज किए। बोला हाँ सर, और सबके ऊपर जीएसटी का पेमेंट किया है। बोला हाँ सर, जीएसटी का पेड है। तो डीएलएफ ये इसके ऊपर जो जीएसटी इसका आईटीसी डीएलएफ क्लेम कर सकता है? आंसर होगा यस, डीएलएफ क्लेम कर सकता है। सब खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। बोलो क्या तुम्हें पता लगा, क्या तुम्हें एक बार भी एहसास हुआ कि सी खत्म हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू वाला पॉइंट था? यानी कि डीएलएफ तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ना, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, तो जो ये गुड्स सीमेंट ब्रिक्स टाइल्स ये खरीद रहा है वो अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लगा रहा है, तो उसको तो मिल जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो सर, खत्म हो गया? हाँ बेटा खत्म हो गया, सच्ची में? हाँ बेटा खत्म हो गया, मैं क्या करूं, डन डन, गुड मॉर्निंग अंकित, मैं क्या करूं बता, खत्म हो गया, अब इसको लेके इतना मैं डिस्कशन तो नहीं कर सकता, इजी चीज़ तो इजी रहेगी ना, मैं इतना डिस्कशन नहीं कर सकता दादा, मेरे पास छोटा मोटा चीज़ है, मैं छोटा, ठीक, इसी जगह एक और एग्जांपल ले लूँ सर, एक और एग्जांपल, अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं, हाँ एक एग्जांपल ले लूँ। डीएलएफ का मन हुआ, अब उसके पास 5 करोड़ रुपये आ गए, क्योंकि वीवी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है ना दीक्षा,
वीवी इज नॉट इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वीवी तो अपना ऑफिस के लिए यूज करे, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहेगा तो मिलेगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये है। अब डीएलएफ को 4 करोड़ रुपए मिले, डीएलएफ ने भी सोचा वाह 4 करोड़ रुपए मैं भी अपना ऑफिस बड़ा बनाऊ। डीएलएफ ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाई, क्या बनाई, डीएलएफ ने ओन ऑफिस बिल्डिंग डेवलप करने का सोचा, ओन ऑफिस बिल्डिंग, बोला चलो अपनी ऑफिस बनाते हैं। और इसका नाम क्या रखा उसने, उसका नाम रखा डीएलएफ टावर। अब डीएलएफ तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, डीएलएफ खुद क्या करेगी, ब्रिक्स खरीदेगी, सीमेंट खरीदेगी, टीएमटी खरीदेगी, प्लस सर्विसेज लेगी, और इसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करेगी। अभी समझ में आ जाएगा, दीक्षा ध्यान से देखना, जीएसटी का पेड करेगी, ये जो जीएसटी पेड करेगी आईटीसी, आंसर होगा नो, क्यों, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं, अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रहा, ओन। खत्म हो गया मामू। ओ माय गॉड, ये क्या था सर, एकदम पानी हो गया, मैं तो पानी पानी हो गया। लो भैया, दीक्षा इस लाइन से तुमको समझ में, डीएलएफ वाला से तुमको वीवी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है दीक्षा। हाँ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है सर, दीक्षा बोल क्या कह, सॉरी दीक्षा, रोहित तुम्हारा क्वेश्चन क्या, नितेश अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है तो सेम लाइन कैसे हो, अपनी ही बिल्डिंग में आ तो सेम लाइन क्यों, जब दूसरों के लिए काम करूंगा एक जगह से लेके दूसरे के लिए काम करूंगा तब तो उसे सेम लाइन कहते, अपने लिए कुछ करूंगा तो सेम लाइन कैसे हो गया मेरा बच्चा, है? अब इसमें एक बात पर, इसका एक एक्सेप्शन है। बोला क्या एक्सेप्शन है सर, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो बंदा फाउंडेशन बनवा रहा है, क्या बना रहा है, फाउंडेशन किस लिए, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इस केस में जीएसटी पेड का आईटीसी मिल जाएगा, यही एक एक्सेप्शन है आईटीसी, यस। खाली ये जो मैंने कहा ना विक्रम बियानी, अगर मान लो एक फाउंडेशन बोला कि मैं यहाँ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करूंगा, प्लीज मेरा फाउंडेशन स्टोन बना दो, डीएलएफ को मैंने बोला, तो डीएलएफ को इस एक एक्सेप्शन है खाली कि डीएलएफ अगर आपके लिए फाउंडेशन स्टोन बना जिसपे आप प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करेंगे तो डीएलएफ उसके लिए जो जीएसटी चार्ज करेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, बस खेला हो गया, खेला हो गया। डेवलपर के जैसे काम करते हो, डेवलपर जैसा काम नहीं करे, डीएलएफ अपनी ऑफिस में डेवलपर कैसे हुआ बेटा, खुद को सर्विस तुम कैसे दे सकते हो अदनान भाई, खुद को अपनी सर्विस कैसे सर, इस केस में डीएलएफ क्या करना चाहिए, डीएलएफ को यूनिटेक को ऑफर दे देना चाहिए था, किसी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को देख के अपना टावर बना लेता तो जीएसटी मिल जाता, पर उसमें कॉस्ट बढ़ जाती, प्रॉफिट बढ़ जाता। अच्छा नहीं, एक एक करके अभी एक एक करके ले रहा हूं, बाप रे बाप, ये तो बहुत क्वेश्चन है, एक एक्सेप्ट, देखो हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, दिया एक्सेप्शन, खुश हो जा, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन आए, पहली बार मेरी जिंदगी में इतने क्वेश्चन आए, फिर भी पूछ रहा हूँ, बड़ा मजा आ गया आज तो, आज तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है। किशोरी, चलो किशोरी का नहीं, अभी का, सर आपने ऑफिस में ट्रांजेक्शन बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज लगाया तो आईटीसी मिलेगा, ना 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 ना, मैं अपनी ऑफिस में जब बैठ के, मैं अपनी ऑफिस में बैठ गया, अब मैं वहां पे कंसल्टेंसी दे रहा हूं, मेरा काम क्या है, कंसल्टेंसी देना, मैं जो कंसल्टेंसी दूंगा उस पर जीएसटी लगाऊंगा, उस कंसल्टेंसी से के लिए कोई इनपुट यूज करूंगा तब मुझे मिलेगा, इस बिल्डिंग के लिए जीएसटी नहीं मिलेगा। आप समझ नहीं रहे सेम लाइन ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट कहां होता है, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो जीएसटी का आईटीसी मिलता है वो केवल उसको मिलता है जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होता है, नंबर वन। नंबर टू, बिंदु, टीएलएफ, अब आप सोचो आप कौन हो,
बिंदु आप हो, क्या आप अपने आप से बिजनेस कर सकती हो, आप अपने आप को सर्विस दे सकती हो, लॉजिक की बात ही है। तो डीएलएफ अब इस केस में उस केस में कंपैरिजन करो ऊपर वाले, फर्स्ट केस में डीएलएफ किसी के लिए डेवलप कर रहा था और सेकंड केस में डीएलएफ अपने लिए डेवलप कर रहा था। जब डीएलएफ को अपने लिए खुद की बिल्डिंग बना रहा था और जो जीएसटी पेड कर रहा था उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सेम वीवी को क्रेडिट नहीं मिला ना, उसी तरीके से अगर डीएलएफ दूसरे की बिल्डिंग बना रहा तो सेम लाइन है, मार्केट से सामान खरीद रहा और दूसरे के लिए उस सामान को यूज कर रहा तो उसको आईटीसी मिल गया। एक फाउंडेशन वाला एक एक्सेप्शन दिया है सर शिवानी, सर अगर वीवी ने होटल डीएलएफ से कंस्ट्रक्ट करवाया वो तो आगे सप्लाई करेगा ना बेटा, होटल सप्लाई थोड़ी कर, बिल्डिंग थोड़ी सप्लाई करेगा बेटा होटल में, होटल में वो सर्विस देगा, उस होटल में जो सर्विस देगा उसके लिए आईटीसी मिलेगा, बिल्डिंग की सर्विस थोड़ी दे रहा है बेटा, कैसी बातें करते हो, होटल से क्या लेना देना, होटल में क्या होता है, होटल क्या बिल्डिंग सर्विस देता है क्या, होटल में आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस जब दोगे आपके यहाँ जो आपके गेस्ट आएंगे उसके ऊपर तुम जीएसटी चार्ज करोगे, तो गेस्ट के लिए जो सर्विस तुम दोगे उसको जो इनपुट और इनपुट गुड्स है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, बिल्डिंग का उससे क्या लेना देना है। आगे बोलो सर। अच्छा अगर बाहर से करवाता तो यस नितेश, अगर डीएलएफ किसी और से कराता उसको क्रेडिट मिल जाता, डीएलएफ डेवलपर जैसा काम करेगा तो, मैंने तो बता ही दिया डीएलएफ डेवलपर जैसा काम करेगा तो अपने लिए नहीं करेगा। और बोलो। अच्छा और भी सारे क्वेश्चन है सर, मान लो अपनी डीएलएफ, मान लो डीएलएफ से बनवाया बिल्डिंग, उसके बाद अपने बिल्डिंग फ्लैट सेल कर दिए, आपका बिजनेस यही है फ्लैट बेचना, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको आईटीसी की बात कहाँ से आती है बेवकूफ आदमी। आगे बढ़ो। और नीतीश सर अगर और डीएलएफ अपना ऑफिस ना बना के फाउंडेशन बनाता, क्यों बनाता भाई फाउंडेशन, डीएलएफ का प्लांट एंड मशीन का काम थोड़ी जो फाउंडेशन बनाता, और अगर खुद का बनवा देता तो ले लेते, आईटीसी नहीं मिलेगा तो डिप्रिसिएशन मिलेगा सीए मोटिवेशन, फाउंडेशन ओनली फॉर प्लांट एंड मशीनरी है, ये मेरा फायदा वीवी को मिलेगा, एकदम वीवी को इसका फायदा मिलेगा, वीवी अगर डीएलएफ को कहती है, वीवी अगर मनीष को कहती है, वीवी अगर रोहित को कहती है कि मेरे लिए ना फाउंडेशन बना दो, मुझे प्लांट एंड मशीनरी उसके ऊपर इंस्ट्रक्ट करना है, आपको मिल जाता। और बोलो। अब आ जाओ, तुम लोगों ने मुझे बहुत पका दिया बेटा, बहुत पकाया, बहुत गलत बात है, इतना नहीं पकाना चाहिए था, तुम लोगों ने बहुत जोर पकाया इस पॉइंट में, छी इतना इजी पॉइंट है, इतने सुंदर से चार्ट बना के दिया, कोई ना बताया ऐसा, फिर भी मैंने बताया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे, तुमने मुझे पकाया, कोई बात नहीं, चलो वर्क ऑन। लो अब इंग्लिश पढ़ते हैं, तुम लोग को ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं ना, अब तुम देखो इंग्लिश कैसे लिखो, अब चार्ट भूल जाओ, मैं मिटा दूँ चार्ट, खुश उड़िया उड़िया चिड़िया उड़ हाथी उड़, चलो हट गया, अब देखता हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझे परेशान क्यों ना, आ जाओ देखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्रेडिट इज अलाउड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड, मैंने सर्विस दी किसको दी, सर्विस लेने के लिए डीएलएफ को दी तो मुझे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड व्हेन आई इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई, अब डीएलएफ को क्रेडिट मिला क्योंकि वो फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहा है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस Where it is supplied for construction of plant and machinery, again foundation stone वाला, बस दो केस है, अगर मैं further supply के लिए use कर रहा हूँ उस input को, उस bricks को, तब तो मुझे credit मिल जाएगा work contract में, मैं अगर VV को नहीं मिलेगा पर DLF को मिलेगा, DLF अगर अपने लिए खुद करती है तो नहीं मिलेगा, further supply के लिए करती है तो मिलेगा, पर foundation for plant and machinery के लिए मिलेगा। English देखो, work contract means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repairs, maintenance, renovation, alteration of any immovable property where transfer of property in goods, whether as such goods in some other form is involved in execution of work contract. ऐसे भी डीएलएफ जो भी मटेरियल को यूज करेगा वो तो वीवी का मटेरियल हो जाएगा ना, क्योंकि डीएलएफ ने तो 5 करोड़ रुपए में सब कुछ इंक्लूड करके ट्रांसफर कर ही दिया ना। बोला हाँ, आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टीज ब्लॉक्ड, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ध्यान से देखो क्या बोला, ब्लॉक, आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टीज ब्लॉक, हाउएवर आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कैन बी अवेल्ड, कैन बी अवेल्ड,
ओनली बाई द टैक्स पेयर, ओनली बाई द टैक्स पेयर हु इज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अभी भी समझ में आया डीएलएफ को क्यों मैंने आईटीसी दिया डीएलएफ को, क्योंकि यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे तो ब्लॉक है, पर मैंने डीएलएफ को आईटीसी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में दूसरे को इसी को यूज करके सर्विस दे रहा है। ओनली ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर कैन अवेल आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि केवल कॉन्ट्रैक्टर ही तो वापस से फर्दर सप्लाई करेगा, केवल कॉन्ट्रैक्टर ही आईटीसी ले सकता, बाकी कोई नहीं ले सकता। फिर उन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी अफिक्स्ड, अफिक्स मतलब चिपकाया, लगाया, बैठाया परमानेंटली टू द अर्थ कंस्टिट्यूट एंड इमोल प्रॉपर्टी, आई अग्रीड। हाउएवर आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्लांट एंड मशीन इज अलाउड एज एन एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन है, इसको लेके लड़ाई आप नहीं करोगे। इतना इंग्लिश पढ़ के मजा आया? अच्छा बताओ, इंग्लिश पढ़ के मजा आया? इंग्लिश पढ़ के मजा आया है? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो इस इंग्लिश में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो बियानी सर के चार्ट में नहीं था? मैं नहीं, नहीं बताओ, बियानी सर का चार्ट में ऐसा क्या था जो इस इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ था? बताओ बताओ, चार्ट तो दिमाग में छप जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डीएलएफ और वीवी को याद करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम लोगों को याद नहीं करते हो, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, जीना या खून चूस रहे हो मेरा, चूस लो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जब जी चाहे आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहां, अपनी यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। इंग्लिश में पढ़ना का मन हो रहा था, इंग्लिश में पढ़ने का मन हो रहा था तुम लोगों को, आओ देखते हैं, स्टार्ट करो रे बाबा, स्टार्ट करो। ITC on work contract service availed by a software company for construction of its office, ना कर दे बेटा, तेरे को नाम मिलेगा, ना कर दे बेटा, सॉफ्टवेयर कंपनी ने बिल्डिंग बनाई, डीएलएफ को ऑर्डर दिया, ना बेटा तेरे को नाम मिलेगा, भूल जा। XYZ a work contractor, अच्छा work contractor of जयपुर कंपनी है, has awarded a contract for construction of a commercial complex in Alwar. यहीं से आंसर आ गया, हाँ मिलेगा, मिलेगा बेचारे को। The firm avail service of PQR of a local contract, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना, वीवी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया और इस कॉन्ट्रैक्ट ने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, सब कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी चार्ज करेगा, सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा, इसके ऊपर जीएसटी लेगा, तो इसको आईटीसी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है बाबा। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑन इस मशीनरी, एकदम फाउंडेशन देखते ही दिल में भाग भाग, दिल हिचौले मान लेता, फाउंडेशन 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 प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन याद रखियो। आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन, अरे पगला पाइपलाइन में हटाओ, ए कंसल्टिंग कंपनी has availed service of work contract for repairs of this office building. अच्छा repair है, ये बहुत बड़ी interesting चीज़ है, ध्यान से सुनना। The company has booked such expenditure in PL account. Capitalize नहीं किया, PL account है तो आराम से ले लो, PL account है तो आराम से ले लो। अपने client को कल से क्या बोलोगे? Yes सुमन, PL account, PL account का मतलब तो खर्चा होता है ना बेटा। A telecommunication company has available service of work contract for repairs of office building. The capitalized. Capitalized कर लिया। कौन बोला था तुमको capitalized करने? गलत बात। सम खत्म हो गया। सम खत्म हो गया। सम खत्म हो गया। एक लाइन और पढ़ लो इंग्लिश में, एक लाइन देखो इंग्लिश में। पॉइंट नंबर 3, एज पर डेफिनेशन ऑफ टर्म कंस्ट्रक्शन, इफ रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन,
रिपेयर्स आर नॉट कैपिटलाइज, अगर आप कैपिटलाइज नहीं करते हो यानी कि बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते हो, इट वुड नॉट बी ए कंस्ट्रक्शन अंडर जीएसटी लॉ. कॉन्सिक्वेंटली आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर सच कंस्ट्रक्शन विच इज नॉट कैपिटलाइज वेदर फॉर एनी मोर प्रॉपर्टी और फॉर एनी अदर प्लांट एमसी वुड बी अलाउड. इसलिए अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे, क्या हुआ किशोरी क्या हुआ, जल्दी से बोलो क्या बोलोगे अपने क्लाइंट को, भैया अच्छे छोटा मोटा जो रिनोवेशन कराता है ना, रिपेयर्स कराता है ना, पीएल में चार्ज कर लिया कर पावले, आईटीसी मिल जाएगा. नहीं नहीं मैं कैपिटलाइज करूंगा. क्यों कैपिटलाइज करोगे, मैं एग्जिस्टिंग प्लांट एमसी में ऐड करूंगा एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ाऊंगा. अच्छा तू एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, तू डिप्रिसिएशन ले ले, वहाँ डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. एडिशन कोई कैपिटल एडिशन होने से हम कॉस्ट को बढ़ा देंगे और वहाँ डिप्रिसिएशन लेंगे पर आईटीसी नहीं देंगे. तो देखो दोनों फायदे, पीएल में अगर करोगे इन रिपेयर्स का खर्चा को पीएल में करोगे खर्चा माइनस हो जाएगा प्लस आईटीसी मिल जाएगा. अगर पीएल में नहीं करोगे कैपिटलाइज करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा और फिर तुमको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. ये तुम कर सकते हो. रिनोवेशन रिपेयर्स, अब कंस्ट्रक्शन को पीएल में कैसे चार्ज करोगे. आलोक गुप्ता बिल्डिंग बनाई 5 करोड़ की, बोला पीएल में, पीएल चल, अरे पगला गया क्या, रिपेयर्स रिपेयर्स का खर्चा पीएल में डाल सकते हो. छोटा मोटा रिनोवेशन कैपिटल रिपेयर्स का मतलब क्या, कैपिटल जब एग्जिस्टिंग एसेट में वैल्यू एडिशन करते हो उसको होते हैं. अब मैं इसका डिफरेंस, तुम गए सलून में कटिंग कराई, क्या कराई कटिंग कराई, थोड़ा सा अपने ऊपर मेकअप किया, ये सब क्या है टेम्पररी है, ये सब रेवेन्यू रिपेयर्स है, ठीक है ना. और जब तुम धरती पे आए तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तुम कैपिटल एसेट हो, हम लोग माँ बाबू जी की कैपिटल एसेट. और बोलो सर क्या बोलें, अपने पे हंस के जग को हंसाया बनके तमाशा मेले में आया, टिंग 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 टिंग, अपने से हंस के जग को हंसाया बनके तमाशा मेले में आया, धक्के पे धक्का रेले पे रेला ये भीड़ में इतनी भीड़ में ये दिल है अकेला. इसीलिए जिंदगी इसी का नाम है, हंसते हंसते रहो मुस्कुराते रहो, कोई बात नहीं, कोई दुनिया क्या बोले आपको क्या फर्क पड़ता है. एक कंपनी बाई सीमेंट खरीदा, टाइल्स खरीदी, एनेबल द सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इट्स ऑफिस बिल्डिंग, बावला हो गया क्या, नहीं मिलेगा. एमएन कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट पेंट आयरन एंड सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट. ओ क्लाइंट के लिए मिलेगा सर, मिलेगा बिंदास. ए कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एनेबल द सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट फॉर रिनोवेशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग द कंपनी बुक सच एक्सपेंडिचर पीएल अकाउंट. एकदम सर मिलेगा. आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन. अरे बाबा सर ऐसा दिल में बैठा दी हो ना कि लाइन कब पढ़ते हमको याद हो जाता है. अब बताओ फीलिंग गुड गुड. मोटर कार जो मेन आइटम थे खत्म हो गए, ब्लॉक क्रेडिट यही था ना. आज अगर किसी के पास जाओ तो वो एक लड़का एक बात को कहता है, यार ब्लॉक क्रेडिट नहीं आता है, ब्लॉक क्रेडिट में फंस जाता हूं मैं. क्या फंसना, अरे पहला लाइन का पहला सूत्र से हमको पता हो जाता है मिलना है या नहीं मिलना है, पढ़ाई तो इसी को कहते हैं ना. अब ये आइटम बच गए जहां पे ये स्पेसिफिक ब्लॉक क्रेडिट है. ये कौन से सेक्शन है, ये 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज ई है, क्लॉज एफ है, क्लॉज जी है, क्लॉज एच है, क्लॉज आई है. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर कोई सेक्शन 10 में है तो उस आईटीसी नहीं मिलेगा. मुझे पहले ही पढ़ा दिया था मैंने कि कंपोजिशन स्कीम में एक जो आदमी है ना वो बड़ा गंदा आदमी है. डिप्रिसिएशन तो आप ले ही सकते हैं दुर्गेश, कोई रोक टोक ही नहीं है. 4 करोड़ 75 लाख ऐड करके 4 करोड़ 75 लाख के ऊपर कैपिटलाइज कर दो और डिप्रिसिएशन ले लो दुर्गेश, पूछने का क्या बात है. गुड्स एंड सर्विस बोलते याद है ना सेक्शन 10 में क्या, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे. यानी कि जो लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं वो जो इनपुट परचेस करते हैं उनको आईटीसी नहीं मिलता, उस नालायकों से जो परचेस करता है उसे भी आईटीसी नहीं मिलता. गई भैंसवानी में. ये देखो जस्टिन बाइबर आया,
आलोक गुप्ता के बर्थडे में जस्टिन बाइबर डांस करने आया, बेचारा कंपल्सरी रजिस्टर भी करवाया, कंपल्सरी रजिस्टर करा के जीएसटी भी एडवांस में पेमेंट कर गया, पर उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। गई भैंस पानी ने। चलो ये तो तुमको बचपन में मैंने सिखा दिया था, अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खुद खाने के लिए कुछ करते हो तो नहीं मिलेगा, पर्सनल पर्सनल पर्सनल। हाँ, चोरी हो गया, लॉस्ट खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, आपने देखा ये गुड्स अब आउटडेटेड हो गया, राइट ऑफ कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया बाई वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ये तो बाद में देखते हैं, ये चार याद रखना है। याद हो गया, एनआरटीपी का निश्चल ने बहुत अच्छा एक पॉइंट, नहीं रहूंगा तेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया तो बेटा डिप्रिसिएशन तो मिलेगा, तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। ये मुझसे क्यों पूछ रही हो श्रद्धा, 4 करोड़ अब मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा उस इस डीएलएफ के केस में श्रद्धा बेटा, मुझे इस 75-72 लाख के ऊपर आईटीसी तो नहीं मिलेगा, पर अब मेरी कॉस्ट क्या होगी, अब मैं अपना बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा, ऑफिस बिल्डिंग को कितने में दिखाऊँ, 4 करोड़ 72 लाख में, ये बीवी अब अपनी ऑफिस बिल्डिंग को पीएल बैलेंस शीट में कितने में दिखाएगा, बैलेंस शीट में मैं दिखाऊंगा 4 करोड़ 72 लाख, 4 करोड़ 72 लाख में, और मैं इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लूंगा, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, इतना तो तुम्हारे पास ज्ञान है, इतना तो तुम्हारे पास ज्ञान है, ये पूछने के कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। राहुल गई भैंस पानी में, खत्म हो गया, 5 हो गया था 6 हो गया था 7 भी हो गया था। चलो तैयारी करें, इलस्ट्रेशन नंबर 8 तैयारी करें, चलो स्टार्ट करते हैं। आज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज मिजेबल टू पीक्यूआर लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाय इट इन द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा जनवरी, गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड एडिशनल फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग, भाग जा, पैकिंग मटेरियल यूज इन द फैक्ट्री ले ले, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी भाग जा, गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर्स डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, एकदम आंख बंद करके ले लो, पेपर फॉर फोटोग्राफिक ये ऑफिस में यूज वाला ले लो, गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट एकदम भाग जाओ, इनपुट यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ले लो, बताओ क्या हो गया। ये तो आपके फाइनल के क्वेश्चन आरटीपी के, कितना देर लगा, मैगी क्या मजाक करते हो सर, मैं 2 बार मैगी बना लेंगे, मैंने मैगी को चढ़ाएंगे उतना में क्वेश्चन बनेगा, मैगी का पैकेट फाड़ेंगे ना, बंजा मैगी ठक, पैकेट फाड़ के डालेंगे तब तक क्वेश्चन रेडी है सर, आंसर रेडी है सर, अपने को नहीं चाहिए। खेला हो गया सर, खेला हो गया, ऐसे ये मजा नहीं। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई, ऐसे क्वेश्चन दे के हमको 40 में 40 की याद आई, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें 40 में 40 की याद आई। वाह वाह, चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 7 किसी के बोला, 7 बोला बेटा, इनपुट यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बेटा कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलने के पहले, कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलने के पहले, कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप फैक्ट्री से निकलते हो तो उसके निकलने के पहले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होना जरूरी, यानी कि इनपुट बिजनेस के लिए यूज हो रहा, आपको आराम से क्रेडिट मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता इससे। क्वेश्चन में वर्किंग नोट में क्या लिखना बेटा, आप वर्किंग नोट में देखा जाए
तो मैं ये देखो वर्किंग नोट, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया प्रतिभा, ये देखो मैंने कुछ नहीं है, तुम जब पढ़ोगे तो लगेगा बेकार का वर्किंग नोट बनाया है, कुछ मिलना नहीं है, वही लिखा हुआ है 17.5 में बोला है मिलेगा, 17.5 में मिला, ये रहा वर्किंग नोट। आप जैसे स्टूडेंट के लिए मैं सब कुछ तैयार करके रखता हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जो वर्किंग नोट मांगेगा, तो देखो भाई सॉरी देखो पहला मैंने वर्किंग नोट दे दिया है, आराम से पढ़ लो। इसमें वर्किंग नोट में पढ़ने के बाद तुमको रियलाइज होगा कि सर ने वर्किंग नोट में भी कुछ नहीं दिया, जो पढ़ा वही वर्किंग नोट है। सीए लवर रजनीकांत प्रसाद सर, आप सिलीगुड़ी कैरियर एकेडमी आए हो क्या? मैं सिलीगुड़ी, तू बहुत जन्मों पहले गया होगा, मुझे याद भी नहीं है। बैंड बोला अपना सर एक कंपटीशन कर बोला, अभी किशोरी स्टॉप कर दिया बेटा, नेक्स्ट। सिलीगुड़ी मुझे याद नहीं है बेटा, मंगो भाई मुझे याद नहीं है, अगर गया भी होगा तो बहुत साल पहले, कम से कम मेरे को लगता है मैंने सिलीगुड़ी 10-12 साल पहले गया होगा, 12-13 साल पहले गया होगा, मुझे याद नहीं बेटा, एक गया तो था मैं एकेडमी में, याद नहीं है, मैं उस समय 18CA में पढ़ाता था, गया हूँ सिलीगुड़ी। उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, रजनीकांत प्रसाद जी मंगो सर को मेरा प्रणाम कहिएगा। चलिए आ जाओ, रेडी हो तुम लोग, तैयार हो, बोलो तैयार हो, तैयार हो, जल्दी एक बार बोलो जल्दी से, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, हाना 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 हाना, जल्दी कर जल्दी कर। सर हमने फैन लिया क्या करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन करती है रचना, कोई लॉजिक नहीं होता है तुम्हारे क्वेश्चन में, क्या कुछ भी लिख के भेजे, मैंने फैन लिया क्या करोगी, फैन का ऑफिस में लगाओगी घर में लगाओगी? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू पी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम प्रोक्योर्ड बाय देम इन द मंथ ऑफ मार्च। देखो भैया एक इज्जत का बात है, काउंटिंग करो, एक मिनट के पहले बनना चाहिए, एक मिनट से एक मिनट 30 सेकंड में बनना चाहिए, 30 सेकंड में स्टार्ट, रेडी। गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन द फैक्ट्री, यस। गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री सेड एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड, ना। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्लांट, यस। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, यस। फूड एंड बेवरेज परचेज पर एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस और नॉट अंडर स्ट्रिक्टली रेगुलेशन, खत्म। इसी लाइन पे एक लाइन याद आ गई, इसी लाइन पे एक लाइन बोलना पड़ेगा सर। चांद को ढूंढे पागल सूरज, चांद शाम को ढूंढे सवेरा, चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढू उस प्रीतम को जो हो न सके कभी मेरा, हे भगवान। खत्म हो गया, आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछा, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब फैक्ट्री, अच्छा पहला क्वेश्चन में गुड सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन फैक्ट्री, आउटपुट बनाने के लिए यूज कर रहे हो ना, आउटपुट के लिए यूज कर रहे हो ना, तो आउटपुट नहीं करोगे तो इनपुट क्या करोगे, तो उसके लिए यूज कर रहे हो तो बेटा क्रेडिट तो मिलेगा, बिजनेस है ना। मैं अगर ये रिमोट बनाऊंगा तो मुझे इनपुट ला के कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब खुद यूज किया किसके लिए, आउटपुट बनाने के लिए फैक्ट्री में।
माय क्लाइंट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सम फूड प्रोडक्ट न्यू किड्स लर्निंग. एक सेकंड मोंटी, एक पढ़ने दो मुझे, एक से हड़बड़ा रहा. माय क्लाइंट इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सम फूड प्रोडक्ट एंड ही आल्सो सप्लाइंग द सेम इन द रेस्टोरेंट. सो अंडर कंपोजिशन इज ही हैज टू पे 5% एज ए सर्विस प्रोवाइडर और एज ए मैन्युफैक्चरर एज ए 1%. यू आर Why restaurant? You are not engaged in restaurant activity. You are engaged, you are a supplier of food and article to restaurant. You are going to be paid as a manufacturer trader as 1%. 5% ka tumhare liye aayega nahi. Aapka jo GST registration wo restaurant ka thodi hai. Aap to restaurant ko supply karte ho. Mere liye to 1% hi rahega. Next. Ajay. Fifth point. Kaisa kaisa aadmi hai re? Food and beverage not hai. Not likha ho under statutory obligation. कंपनी फूड एंड बेवरेज का काम कर रही है क्या? कुछ भी ना, पढ़ते नहीं हो, कुछ भी आंसर लिख के भेज दो. आई एम एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस एंड द सर्विस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट आई एम पेइंग जीएसटी ऑन. यस बेटा, एक्सपोर्टर के पास सबसे बड़ा पॉइंट ये है, बिकॉज एक्सपोर्टर इज नॉट पेइंग द टैक्स बट दे आर रेजिंग द इनवॉइस एट ए 0%. एक्सपोर्टर जब रेज करता है इनवॉइस, निल रेटेड इनवॉइस नहीं करता बेटा. एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रेज द इनवॉइस इन अंडर 0 rated इनवॉइस. तो जीरो रेटेड का मतलब यू आर पेइंग द टैक्स एट द रेट ऑफ 0% आईटीसी इज अलाउड. आगे बढ़ जाओ. ए भैया कितना देर लगा? अब देखो सम पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा. एन एलिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सर्विस और ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट सो दैट द कैंडिडेट बिकम. आंसर लिख लो ना, सब पढ़ने की जरूरत नहीं. यस लिख लो, क्योंकि इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज के लिए, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो या व्हीसल हो, तीनों के लिए रूल तो एक ही है. चाहे जमीन पे चलने वाला हो या हवा में उड़ने वाला हो या पानी पे बहने वाला हो, तीनों के क्लेश के लिए, इम्पोर्टिंग ऑफ नॉलेज के लिए तो अलाउड होगा ना. आगे बढ़ जाओ. अच्छा ठीक है सर, पढ़ जाते. अच्छा ये आरटीपी, सीए फाइनल का आरटीपी है, देखते हैं इस आरटीपी में क्या लिखा हुआ है. कृष्णा मोटर इज ए कार डीलर. ओ माई गॉड, वो कार डीलर है. अच्छा, सेलिंग कार. कई पूछ रहा था ना कौन डीलर 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 डीलर. लो अदनान भाई डीलर of an international car company having sitting capacity of 7%. ये दिखते ही दिल कलेजा बैठ जाता. 7% नहीं मिलेगा. अरे पगला, ऊपर है ना कार डीलर, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, डीलर है, उसको मिलेगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ द कार सोल्ड बाई इट एज ऑल्सो ऑफ अदर कार. ठीक है. इट सिक्योर एडवाइज ऑन एडविजिबिलिटी आई टी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई ड्यूरिंग द कोर्स. अच्छा, आई टी सी मांग रहे, दे देते 2000 में कंसल्टेंसी दे देते, 2000 रुपया दे दो, दे ले लो. कार परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार. टू ऑफ सच कार आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट वाइल बींग यूज फॉर टेस्ट ड्राइविंग बाई पोटेंशियल कस्टमर. आई टी सी ओनली ऑन कितना कार खरीदा था? नो आई टी सी, नो आई टी सी ऑन टू कार. दो गाड़ी के ऊपर नो आई टी सी, कुछ नहीं मिलेगा, कई भैंस पानी में. वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कार वॉशिंग सेड. ना, कार वॉशिंग सेड के लिए नहीं मिलेगा. फाउंडेशन अगर प्लांट एंड मशीन के लिए लेते तो दे देते, गई भैंस पानी में. ये क्वेश्चन खत्म हो गया आरटीपी का. दो को फाइनल में ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम इसके बाद भी घबराते हो. ये दुनिया में बड़ी बुरी हालत है. चलो आ गया क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का वैल्यू है 1 करोड़ रुपया. और इसको अमिताभ जी ने कहा 30 सेकंड में खत्म करना है. बोला सर 30 सेकंड में? बेटा तुम 15 सेकंड वाले आदमी बन गए हो, तुम 3 सेकंड में डरते हो? फोनो फ्रेंड तो बैठा हुआ है तुम्हारा. एबीसी लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग हेवी मशीन इट प्रोक्योर द फॉलोइंग आइटम. इनवर्ट सप्लाई इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यस सर, प्यार से बोलो यस सर. ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट. आग बंद करके सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है. यस सर. रॉ मटेरियल, अरे सर इसका तो मिलेगा ही मिलेगा सर, इसमें क्या टेंशन है. कॉन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री अंडर. अच्छा यस सर, खत्म हो गया. 15 सेकंड में खत्म हुआ कि नहीं? 15 सेकंड में खत्म हुआ कि नहीं? कैसी कैसी बातें करते हो सर. अब तो इसी पे एक लाइन हो जाना चाहिए सर. आग बनी सावन की बरसा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे. हे भगवान भगवान. आगे 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 आगे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर. 13 नंबर क्वेश्चन, अनलकी 13. हाउस का नंबर है अनलकी 13. ओके सर, अनलकी 13 को भी हम लकी करते हैं.
मजा आ रहा है आईटीसी में? आईटीसी मजा आ रहा है? अरे मस्त मजा आना चाहिए, जिंदगी यही है, जिंदगी यही है, हंसते खेलते चैप्टर खत्म। लोग इसको लेके ऐसे बैठे रहते, ओह माय गॉड 17.5 का क्वेश्चन कैसे छोड़ देते, काम करते छोड़ देते हैं। अरे भाई 40 नंबर का पेपर आईटीसी से बनाओ, तुम बनाओ, आओ 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 तुम बनाओ, इधर आओ इधर इधर बनाओ। ठीक किशोरी, XYZ Limited is engaged in manufacturing of taxable goods. Compute ITC available with XYZ Limited for the month of October. चलो ठीक है, अक्टूबर बोला है। Input tax, ये क्या है? 120,000 One invoice on which GST payable was 10,000 is missing. गई वैस पानी में। ये तो क्वेश्चन पढ़ के हमको लगा ये क्या होने वाला है, तो खत्म हो गया। बोलते एक invoice missing है तो नहीं लेंगे। 1,00,000 input are to be received in 2 installments. First installment received in October. No. Last installment मिलते हैं अक्टूबर में, मिला है पहला installment. Second install last कब मिला पता नहीं, तो नहीं credit नहीं ले सकते हैं। XYZ Limited capitalize the capital goods at full value inclusive GST at will है। पगला गया ना, GST depreciation ले रहे हो, capitalize का सारे पाप वाले काम कर रहे हो तुम, यहाँ पे पुण्य कमाने आ, भाग जाए से। One invoice of 20-1-2020 on which GST payable was 50,000 has been received in October. ये बड़ा dangerous वाला है। बोला one invoice था कब, 19-20 का, on which GST payable was 50,000. GST आपने paid उसी समय कर दिया था, has been invoice मिला है, तो invoice अभी मिला है, goods तो उसी समय मिल गया होगा ना, आपने credit ले लिया होगा ना भाई साहब, अभी क्यों मुझे तड़पा रहे हो, 2,00,000 रुपये का tax credit मिल जाएगा, खत्म हो गई कान, खत्म हो गई। 2,00,000 और 3,00,000 10,000 का क्रेडिट मिलेगा अपने को, खेला खत्म हो गया बेटा, खेला खत्म। एक गाना, अब तो एक गाना होना चाहिए। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले, लुट गई तेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 में आ गया है, हम 14 की तरफ बढ़ गए हैं। बाप रे बाप, आज तो चक्के पछौका लग रहा है, 14 में क्या है सर, आ जाओ। देखो बोला कम्युनिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल उज्ज्वल मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। अच्छा ध्यान रखना बेटा, कार बनाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस, यस एकदम लो, एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जीएसटी पेड कर रहे हो उसका लो, कंपनी को लो लीजिए सर, सर्विस है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस, सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड एकदम, तब तो ना कर दो, भागो यहां से। रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ कार, एकदम रूटिंग मेंटेनेंस है तो लेना ही पड़ेगा। रिपेयर सर्विस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर पीएल में, ओहो पीएल में क्या, बहुत समझदार आदमी इसका, इसका पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी किशोरी है। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय वेकेशन अंडर स्टैट्यूटरी, तब तो लेना पड़ेगा सर, देना पड़ेगा। टेस्टिंग सर्विस एकदम ले लीजिए सर, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये क्या था सर, ये क्या था, एक गाना, एक लाइन होनी चाहिए दर्द वाली। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ आ गए हमारे बैट्समैन, 15 की तरफ पहुंच गए हैं, 15 की तरफ पहुंच गए, और नेक्स्ट बैट्समैन 15 अब छक्का लगाने के लिए हैं। देखते हैं, 6 मारते हैं, 4 मारते हैं, ये कौन है, सितंबर में एक्स वाई जेड को बताना है। चलो बताते, सेल्स प्रमोशन सर्विस लिया है, आईटीसी पेड किया, क्रेडिट लेगा, बिंदास होके लेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस अवेल फ्रॉम फिजिक क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉय, द सेड सर्विस आर नॉट अवेल, नॉट अवेल है तो गोली मारो यार। हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्ट, अरे पावर लास्ट लाइन में ही सारा गेम हो गया, एकदम ले लेंगे, एकदम ले लेंगे, एकदम ले लेंगे।
ठीक है, मार्केट रिसर्च एकदम लेंगे सर, क्वालिटी कंट्रोल एकदम लेंगे सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन एकदम नहीं लेंगे सर, अभी अभी आपने बताया, ये खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। पानी पानी वाला डांस तुम लोग को ढाली डाली सुनना है ना, घर चल जा बेटा रौनक, तू घर जा बेटा, कितने प्यार से पूछा, देखो इसको बोलते हैं कितने प्यार से रौनक, ते कितना अच्छा, सुनो सुनो जीएसटी और कितने दिन का बाकी है सर, ये लोग वहां नहीं पूछते जहां पढ़ते हैं, 100 घंटे जिनको पढ़ाया जाता है वहां नहीं पूछते हैं, यहां पूछ रहे हैं। श्रद्धा की भी सुन लो, श्रद्धा बोल बेटा क्या तेरी, अरे श्रद्धा तो दिल में है, श्रद्धा दिल में है, सबके लिए मेरे मन में श्रद्धा है, बोलो फिर भी तुमको कुछ पूछना है तो पूछो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर एक लाइन तो आपने सुना ही नहीं, सुना देता हूँ, काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, काश सच जिंदगी सचमुच एक किताब होती, पढ़ सकता कि इसमें आगे क्या होगा, पढ़ सकता कि इसमें आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं, क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी और कब दिल रोएगा, काश ये किताब, ये जिंदगी भी एक किताब होती जिसे मैं पढ़ पाता। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, पानी पानी वाला डांस, अच्छा अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ये भैया वो प्रीमियम डांस है सद्दा, वो प्रीमियम डांस है, पैसा दोगे तब मिलेगा, दो सीधा अकाउंट में पैसा भेजो 5,000 रुपये, प्रीमियम डांस अब नहीं होगा, प्रीमियम डांस पेमेंट करने से ही होगा, ठीक है। आईटीसी इंप्लीकेशन वेयर इनपुट आर रिटर्न ऑफ, आज बहुत चिल्ला लिया बेटा, अब चले हो गया 1 घंटे टाइम पूरे हो गए, सेक्शन 17 खत्म हो गया, 15 प्रॉब्लम बना चुके हो। ए मैन्युफैक्चरर विच इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हैज परचेज 10,000 kg ऑफ इनपुट फॉर ₹10,00,000 ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द सेड इनपुट बिकम ऑब्सोलेट एंड देयर वैल्यू हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सप्लेन आईटीसी ट्रीटमेंट अबव, मिलेगा क्या, क्रेडिट मिलेगा क्या, जल्दी बोलो बेटा जल्दी बोलो, सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया, नो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H में नो आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ऑफ, खत्म हो गया, चलो 16 भी हो गया, अब 17 को देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट गिव्स ए पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क टू सब कॉन्ट्रैक्टर, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, द सब कॉन्ट्रैक्टर चार्ज GST ITC यस टू किसको, XYZ को ITC मिल जाएगा, खत्म हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या पढ़ाऊं, पर अब तो लग रहा है कि ITC हम ही ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 को छक्का मारे, XYZ लिमिटेड इंगेज इन सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंगेज इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इट परचेज 10 मोटर कैप और 36,00,000 प्लस GST, यू आर रिक्वायर्ड, यस, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सप्लाई पैसेंजर सर्विस में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, तो उसमें सिटिंग कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ले लो, अभी बोलो, फिर ये खेला हो गया रे पापा, देखो XYZ लिमिटेड कंडक्ट 50th एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि रिलायंस ने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली,
एंड आई विल सर्विस ऑफ डिलीशियस डिलीशियस कैटरर नाम से भूख लग रही है मम्मी खाना दो मैं आ रहा हूँ मम्मी मैं आ रहा हूँ ऑन दैट ओकेजन डिलीशियस कैटरर चार्ज 15 लाख प्लस जीएसटी फॉर द सप्लाई ऑफ आउटडोर कैटरिंग सर्विस यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस एकदम भूल के भी माथा भी मत लगाना रे बाबा ये कौन सा सेक्शन में आ गया 17 सबसेक्शन 5 ए के बाद बी में ही था ना बी में ही था हाँ खत्म हो गया सर अब हम 20 नंबर में पहुंच गए अच्छा ऐसे आईटीसी बनायो कभी है अब 20 नंबर में पहुंच गए हम लोग कैनवीन लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक टैंक अरे टैंक कौन सा टैंक ये नहीं बोला है कौन सा टैंक पानी वाला या चल गोला मारने वाला जो भी बोला मतलब नहीं है परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इशूड एकदम डेबिट नोट इशू हुआ तो क्या हुआ क्रेडिट तो मिलेगा ही भैया को इनपुट परचेज वॉर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो है जॉब वर्कर कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल टू सिप वाला कॉन्सेप्ट है यस मिलेगा कंप्यूटर परचेज डिप्रिसिएशन वॉज क्लेम ऑन सेल डी एस सी पगला समझे हो क्या डिप्रिसिएशन मिलोगे आई टी सी मिलोगे मैं ही दिखता हूँ तुमको पागल वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टाफ क्वार्टर पगला गए हो स्टाफ क्वार्टर के लिए देख ना ना तुम जाओ 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 अब दूसरे क्वेश्चन चलोगे रूल नंबर 42 का क्वेश्चन है जो आपके अब रहा नहीं रूल नंबर 40 ये क्वेश्चन नंबर जो है रूल नंबर 42 है आपको सीखना है तो मैं सिखा सकता हूं अगर आपके समय रूल नंबर 42 है नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर नवंबर के एग्जाम से इसको हटा दिया गया है आपके तो लॉटरी लग गई लो भैया नवंबर के एग्जाम से रूल हटा दिया रूल नंबर 42 हटा दिया इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये भी रूल 42 का क्वेश्चन है रूल नंबर 42 का क्वेश्चन है नॉट एप्लीकेबल अच्छा गई भैंस पानी में ये आ गया आपके पास 17-4 के ऊपर क्वेश्चन बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया पर मैं ये समझता हूँ कि मैं 17-4 का क्वेश्चन तो कराऊंगा पर 17-4 का क्वेश्चन कराने के लिए रूल 42 का भी मुझे इंस्टीट्यूट का एक गेम नहीं समझ में आया इंस्टीट्यूट का गेम नहीं समझ में आया इंस्टीट्यूट बोलती है कि रूल नंबर 42 आपके सिलेबस में नहीं पर इंस्टीट्यूट बोलते हैं सप्ताह चार में रूल 42 कहीं ना कहीं फंस जाता है कोई बात नहीं मैं मैनेज करूंगा आपके लिए तो जान दे दूंगा चलिए कल मिलते हैं मेरे दोस्त कल मिलते हैं किसके साथ कल मिलेंगे मजेदार सेक्शन नंबर 18 के साथ जिससे दुनिया डरती नहीं है भागती है उन्हें पता नहीं है कि सेक्शन 18 में भी 20-20, 25-25 प्रॉब्लम बन सकती है वैरायटी रूल नंबर 42 सिलेबस में नहीं है तो मैं टैक्स लवर क्यों कराऊं ठीक है ना जब रूल नंबर 42 सिलेबस में नहीं है तो मैं क्यों कराऊं क्वेश्चन मेरे को इसका जवाब दे दो मुझे बताओ रचना मुझे बताओ बेटा टाइम खत्म हो गया मेरे दोस्त टाइम खत्म हो गया ठीक है ना नैया संग पतवार बनाई मिलन के साथ जुदाई नैया संग पतवार बनाई नहीं चलो बाय एक बार लव यू बोल दो जोर से एक बार साफ कोई सारा देखते हैं कितने जन लव यू अच्छा एक बात बताओ तुम लोग इतने लोग क्लास करते हो आप लोग कोई भी वीडियो में कमेंट करने में इतना क्यों खाली लेने का ही होता है क्या जिंदगी में देने का नहीं सीखे हो क्या यही आदत बड़े होके खराब बनेगी अरे जिंदगी में कुछ ले रहे हो तो कुछ दो और अगर देना अगर प्यार होता है ना वो दिल खोल के दो नहीं तो जिंदगी में ऐसी हालत बनेगी बुढ़ापे में दिल के अस्त्र डॉक्टर आपके दिल को खोलेगा अरे नलायको 60 साल बाद दिल का आपके दिल को खोले अभी से दिल को खोल के कर कमेंट देने में ये लोग करते हैं अरे कमेंट देने से थोड़ी होता है लाइक कमेंट और शेयर से क्या होता है वीडियो दूर दूर तक पहुंचता है मैं भी चाहता हूं मेरा भी नाम हो मैं भी चाहता हूं लोग मुझे जाने 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 मैं भी चाहता हूं बाकी तुम्हारी मर्जी लव यू बेटा लव यू पर अचना एक बात बोल बेटा अगर तुमको आपको रूल नंबर 42 करना मेरे को व्हाट्सअप करना लास्ट बैच में रूल नंबर 42 का स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया था स्पेशल केल 42 को लेके मैं आपको शेयर कर देता घबराने की बात नहीं है
मैं ब्रांड हुआ मैं पानी पानी हो गया सदा भेज देना 10,000 रुपया अभी तुरंत, सदा अभी भेज देना तुरंत 10,000 रुपया। ठीक है प्रीति, तुम लोग को चाहिए था सदा, अभी पैसा आना चाहिए। दुर्गेश व्हाट्सएप कर, मैं रूल नंबर 42 को भेज देता हूँ। बाय ऋषभ बाय, अभिक बाय, अदनान बाय, थैंक यू वेरी मच अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकालने के लिए, मेरे उतने अच्छे लेक्चर को फॉलो करने के लिए। ठीक है ना, चले अच्छा, आज आपको पता है ना मन की बात है, आज मन की बात है, जरूर मिलिएगा 10 बजे मन की बात के साथ। लव यू वेरी मच। मन की बात, मन की बात, वो जरूर ज्वाइन क्या करो यार।